क़यामत के दिन कौन सा नेक अमल साया की तरह होगा? सदका। कुरान पाक में मुबारक दरख्त से कौन सा दरख्त मुराद है? जैतून का दरख्त। दुनिया में कौन सा अमल करना जन्नती हूर का हक मेहर है? मस्जिद की सफाई करना। बताए किन अमीर लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं? जो मुसाफिर हो। किसके बुलाने पर नफल नमाज तोड़ी जा सकती है? माँ के। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ फरोख्त किया गया था? मिस्र में। बताए किस मखलूक को अल्लाह ताला का लश्कर कहा जाता है? फरिश्तों को। कुरान पाक में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है? इबलीस का। निकाह के लिए कितने गवाहों की जरूरत होती है? 2 गवाहों की। क्या आप जानते हैं जहन्नम की आग का रंग कैसा है? स्याह रंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के रिश्ते के हवाले से किससे मशवरा करने का हुक्म दिया है? लड़की की माँ से। हदीस के मुताबिक एक इंसान के कितने बच्चे मर जाए तो वो दोजख में नहीं जाएगा? 3 बच्चे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का बेहतरीन सामान किसको कहा? नेक बीबी को। अबू जहल किस गजा में हिलाक हो गया था? गजे बदर में। क्या आपको मालूम है इस्लाम में किस तरह सोना मना है? पेट के बल सोना। मुसलमान पर सबसे पहले कौन सी इबादत फर्ज हुई थी? नमाज। हदीस के मुताबिक कौन सी औरत मर्द के पास कैदी है? बीबी। कुरान पाक में मौत का जिक्र कितनी बार आया है? 145 बार। वो कौन सा गुनाह है जो नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को? हसद करना। क़यामत के दिन सबसे पहले किस अमल के बारे में पूछा जाएगा? नमाज के बारे में। किसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करना क्या कहलाता? गेबत। बताए किस औरत की वजह से घर से नहुसियत नहीं जाती? शोर शराबा करने वाली। दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा जो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ सकेगा? काफिर लिखा होगा। क्या औरत अपने शोहर को तलाक दे सकती है?
नहीं दे सकती। क्या आपको मालूम है शैतान किस इंसान पर आसानी से काबू पा लेता है? जाहिल इंसान पर। कयामत के दिन मीज़ान अदल में सबसे पहले क्या रखा जाएगा? अच्छे अखलाक। पता है कौन सी चीज़ इंसान के माल में इजाफा करती है? सदका देना।